मेरा नाम सर्वेश है। काम के सिलसिले में मैं भोपाल से मुंबई में 3 साल पहले ही आ गया था, लेकिन इस साल मार्च महीने में अचानक से कोरोना फैल गया और मार्च महीने में ही मेरी नौकरी चली गई। मेरे पास उतने ही पैसे थे जितने में मैं 1 महीना निकाल लेता। इस वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गया था। मेरे घर से यानी कि भोपाल से मुझे मेरे घर वालों के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि तू कैसे भी करके घर वापस आ जा, नौकरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जान सबसे ज़रूरी है। पर मैं करता तो करता क्या, लॉकडाउन शुरू था तो मैं घर वापस नहीं जा सकता था। मेरा उन पैसों से 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मैं पूरा कंगाल हो चुका था, कोई काम भी नहीं दे रहा था कोरोना के डर से। मुझे अब घर जाने की चाहत होने लगी थी। मैंने जैसे तैसे इधर उधर से पैसे जमा करके और 2 महीने निकाले। अब मैं ना किसी से पैसे मांग सकता था ना घर जा सकता था। पर एक दिन मैंने किसी से सुना कि भाई सोनू सूद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, लाखों की दुआएं लगेंगे उनको। किसी को अपने बिछड़े परिवार वालों से मिलाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो मेरे मन में एक आशा निर्माण हुई। मैंने सोनू सूद जी ने पब्लिकली जो कांटेक्ट दिया था वो ढूंढ निकाला और उनकी टीम को उसी वक्त मैसेज किया। उस रात मुझे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आप पुराने स्टेशन पर मेरी राह देखिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उस वक्त मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने सारे बैग्स पैक कर लिए और रात के ठीक 7 बजे मेरे रूम से पुराने स्टेशन पर निकल पड़ा। पर मुझे वो बात अजीब लगी कि उन्होंने मुझे पुराने स्टेशन पर ही क्यों बुलाया है। पर खुशी इतनी थी कि वो बात मैं भूल गया। मैं स्टेशन पर पहुंच गया था पर मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। वहां पूरा सन्नाटा फैल चुका था, ना कोई चहल पहल थी ना कुछ। और स्टेशन पूरा सामसुम होने की वजह से मैं बहुत डर गया था। मुझे पता चल गया था कि सोनू सूद के नाम से किसी ने मेरे से मजाक किया था। मैंने जिस नंबर पर मुझे मैसेज आया था वो नंबर देखा तो वो नंबर 10 नंबर ही नहीं था, वो 12 नंबर ही था। मैंने डरते डरते उस पर कॉल लगाया पर वो नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। मैं पूरा डर चुका था। रात की ठंडी में भी मुझे पसीना आ रहा था। तभी मुझे स्टेशन पर एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी छन छन छन। मैं इधर उधर देखने लगा, स्टेशन पर कोई भी नहीं था। मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी मैं वहाँ पर गिर पड़ा। ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया था, पर सच कह रहा हूँ उधर कोई भी नहीं था। उतने में ही स्टेशन की एक बेल बजी। वो बेल ट्रेन आने की थी। वो बजते ही पता चलता है कि ट्रेन नज़दीक है और स्टेशन पर पहुंचने ही वाली है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वहाँ पर ना कोई स्टेशन मास्टर था ना कोई और कर्मचारी। वो बेल बजते ही जा रही थी। 10 मिनट से वो बेल बज रही थी पर ट्रेन का कोई अता पता ही नहीं था। मैं उस आवाज़ से परेशान और उस स्टेशन से बहुत डर गया था। तभी मुझे ट्रेन की पटरी पार करते हुए कोई दिखा। मैं उसे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था पर वो मेरी तरफ मुड़ ही नहीं रहा था। पर अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा और जोर जोर से मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो जितना तेज मेरी तरफ बढ़ रहा था मेरी धड़कन उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। और तभी अचानक वो मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देखते ही मुझे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं वहाँ से तुरंत भाग निकला और मेरे घर गया। मैं उस रात सोया भी नहीं। कल रात मेरे साथ जो हुआ वो सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं वहाँ से बच गया, यही बहुत था। तभी फिर मुझे एक कॉल आया। मैंने डरते डरते कॉल लिया। उधर से एक आदमी बोल रहा था। वो कह रहा था, हम सोनू सूद जी के टीम से बोल रहे हैं, हमने आपका मैसेज पढ़ लिया है और जल्दी ही आपको भोपाल पहुंचा देंगे। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मुझे सच नहीं लग रहा, आप मेरी बात सोनू सूद जी से करवाइए तभी मैं मानूंगा। और मेरे बहुत कहने के बाद उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट सोनू सूद जी से करवाया और उधर से एक आवाज़ आई, हेलो मैं सोनू सूद बोल रहा हूँ और ये कुछ भी झूठ नहीं है, हम आपको आपके घर भोपाल आज रात ही छोड़ देंगे, आप कोई चिंता ना करें। तभी मेरे ज्ञान में जान आई। उस रात सच में सोनू जी ने मुझे मेरे घर भोपाल छोड़ दिया था। सच कह रहा हूँ, ये आदमी रियल लाइफ विलन हो सकता है पर रियल लाइफ का हीरो है। ये थी सोनू सूद जी से जुड़ी एक कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अलविदा।